लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पोटका को 164 बूथों में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित मतदान के लिए पोटका बीडीओ द्वारा प्रखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रखंड के सभी कर्मियों, समाज सेवियों, शिक्षकों आदि की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण पोटका में मतदान प्रतिशत में अव्वल रहा। वहीं उन्होंने कहा कि पोटका में 79.86% मतदान हुआ, जिसमें 80.20% पुरुषों का तथा 79.49% महिलाओं ने मतदान किया। वहीं देखा जाए तो मतदान में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। साथ ही प्राइमरी स्कूल बड़ा भुमारी में 89.67% तथा सबसे कम प्राइमरी स्कूल हारतोपा रूम नंबर 1 जहां 61.77% मतदान हुआ। साथ ही उन्होंने प्रखंड के सभी कर्मियों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, JSLPS की महिलाओं, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ आदि को धन्यवाद देते हुए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। 2024 का लोकसभा चुनाव में हमारे जमशेदपुर लोकसभा में आने वाले पोटका प्रखंड का जो इस बार का रहा बहुत अच्छा रहा है और लोगों ने इसमें साथ दिया है। मेरा स्वीप का कार्यक्रम जो है बहुत सफल रहा और लोगों में जब मतदाता जागरूकता अभियान हमने चलाया तो हमारे मन में था कि जो लोग बहुत कम लोग हैं जो कि बाहर हैं हमारे प्रखंड से या फिर कहीं बाहर रह करके श्रमिक रूप में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या वैसे लोग जो मानसिक रूप से अक्षम हैं उन्हें छोड़कर के बाकी हर लोगों को हम चुनाव में अपनी सहभागिता दिलाएं। इसके लिए होम वोटर भी थे जो कि 34 की संख्या में थे, वो भी संपन्न हुआ और घर से महिलाएं और पुरुष भी बड़ी संख्या में निकले। मौसम बहुत अनुकूल नहीं था और हमारा लगभग हर बूथ पर पानी वगैरह पीने की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था हमने कर रखी थी और इसमें सभी लोगों का सहयोग था। और मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रबुद्ध नागरिक जो हैं प्रखंड के, उनका बड़ी योगदान रहा। हमारे जो मीडिया बंधु हैं, मीडिया बंधु ने भी मतदाताओं को जागरूक करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही हमारे प्रखंड के जितने भी कर्मी हैं उन लोगों ने स्वीप कार्यक्रम खूब चलाया हर तरीके से। कस्तूरबा गांधी के जो बच्चे हैं या फिर हमारे आरंभा कॉलेज है वहाँ के भी बच्चों ने चारों ओर घूम घूम करके और इन्होंने अपने IT सेल के जरिए इस चीज़ को फैलाया। इससे क्या हुआ कि एक एक लोगों के मन में बात बैठ गई कि ये मेरा अधिकार है और साथ ही मेरा कर्तव्य भी है कि हम अच्छे लोगों को चुनें। हमें थोड़ी चुनौती मिल रही थी वैसे लोगों से जो कि बहुत सुदूरवर्ती इलाके में रह रहे हैं और उन्हें मतदान केंद्र तक लाने के लिए हमने वहाँ के माझी प्रधान लोगों का सहायता लिया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।